हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल यूनिक एडवोकेट प्रकाश पोर। आई होप सो कि आप मेरा वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं। जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, वार्म वेलकम। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पर मिलते रहे फ्रेंड्स। सो आज का हमारा सेशन जो है साइंस वन का होगा, और साइंस वन के हम बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ फ्रेंड्स। सो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक्स पर। आज हम करेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड देन वी आर गोइंग टू सी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी में आपका आएगा चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज विथ हाइट एंड चेंज विथ डेप्थ। जैसे जैसे हम एज वी मूव धरती के ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे, वैसे हम देखेंगे हाइट के हिसाब से कैसे ग्रेविटी चेंज होगा और धरती के ऊपर कैसे चेंज होगा और चेंज विथ डेप्थ। धरती के अंदर हम जाएंगे फ्रेंड्स तो हाउ द ग्रेविटी इज गोइंग टू चेंज, दैट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट। इज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है फ्रेंड्स, दैट इज मास एंड वेट। इसके बीच में एक क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। तो ये आपको बहुत ज़रूरी सीखना होगा। एंड द नेक्स्ट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि उसमें ग्रेविटी अगर ना हो, ग्रेविटी अगर नहीं है फ्रेंड्स तो फ्री फॉल कैसे होगा। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर गिरती है और वो ग्रेविटी के फोर्स में अगर होगा तो वो कैसे गिरेगी, दैट वी आर गोइंग टू सी। एंड देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी धरती पर स्टोर होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड द लास्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मीन्स आपको मैं आगे बताऊँगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6 फ्रेंड्स, ए लास्ट पैराग्राफ। डू यू नो, नाउ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द हाई टाइड एंड लो टाइड दैट ऑकर्स रेगुलरली इन द सी। तो फ्रेंड्स जब आप समुद्र किनारे जाते हैं, जू बीच किनारे जब जाते हैं, तो यू ऑब्जर्व दैट देर इज अ हाई टाइड एंड देर इज अ लो टाइड। द लेवल ऑफ द सी वाटर एट गिवन लोकेशन अलॉन्ग द सी शोर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ट्वाइस अ डे। तो ये जो हाई टाइड एंड लो टाइड होता है फ्रेंड्स, ये ट्वाइस अ डे होता है एट रेगुलर इंटरवल्स। हाई टाइड, हाई एंड लो टाइड ऑकर्स इन डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो फ्रेंड्स हाई टाइड एंड लो टाइड जो हम देखते हैं, हम जो जिस समुद्र बीच पे हम रहते हैं तो हम वहाँ देखते ही है, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद वो वहाँ नहीं होता है। सो यहाँ पर अगर जहाँ बीच पे द बीच ऑन विच वी आर एंजॉइंग मे बी एक्सपीरियंसिंग लो टाइड, तो इन सम अदर प्लेस इट इज़ एक्सपीरियंसिंग हाई टाइड। तो समटाइम इट इज़ लो टाइड। अगर यहाँ हमारे समुंदर बीच पे लो टाइड है तो फ्रेंड्स वो कहीं तो हाई टाइड होगा, और अगर हमारे यहाँ पर हाई टाइड है तो देन इन सम अदर प्लेसेस दे अवर फ्रेंड इन अदर ब्रिज मे बी एक्सपीरियंसिंग लो टाइड। सो फ्रेंड्स द लेवल ऑफ द वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द मून। तो अब हम डायग्राम की तरफ देखेंगे। डायग्राम में देख रहे थे द मून इज हियर एंड द अर्थ इज हियर एंड दिस ब्लू पोर्शन इज द वाटर। सो नाउ मून इज हियर, तो ये मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है धरती पर एक्ट करेगा। फ्रेंड्स आई लाइक टू डिस्टर्ब यू दैट जैसे ही धरती ने एप्पल को अपनी तरफ खींचा था टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसी तरह से एक सवाल उठा था कि क्या एप्पल भी धरती को अपनी तरफ खींचता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से यस फ्रेंड्स, एवरी टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं।
तो जिस तरह से धरती जो है अब मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बनाए रखी है, नेचुरल सैटेलाइट जो है अपने अर्थ का, उसी तरह से मून भी जो है फ्रेंड्स धरती को अपनी तरफ खींचता है। तो बस फर्क इतना होता है कि धरती तो उसकी तरफ जाती नहीं है, बट द वाटर ऑन द अर्थ ये जो है टुवर्ड्स मून की तरफ खींचा जाता है, मून की तरफ खींचा जाता है। तो पानी जो है समुंदर में जो पानी जो होता है ये अर्थ मून की तरफ खींचे जाने की वजह से वहाँ पर हम देख सकते हैं हाई टाइड होगा। तो ये जो पोर्शन है ये एक पोर्शन और ये पोर्शन जो है फ्रेंड्स ये दो हाई टाइड वाली रीजन्स है, एंड दीज टू पोर्शन फ्रेंड्स दीज आर द लो टाइड्स। अगर यहाँ पर दो ये दो पोर्शन में अगर हाई टाइड होगा फ्रेंड्स, देन दीज टू पोर्शन विल बी एक्सपीरियंसिंग लो टाइड। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द वाटर, ऑन द वाटर। तो ऑन द अर्थ वी कैन ऑल्सो से, बट वाटर एक्सपीरियंसिस द फोर्स एंड वी कैन सी द चेंजेस इन द सी लेवल, समटाइम्स हाई टाइड एंड समटाइम्स लो टाइड फ्रेंड्स। सो नाउ वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टुवर्ड द मून एंड द लेवल ऑफ द वाटर देयर गोज अप। मैंने अभी फ्रेंड्स आपको बताया कि मून यहाँ पर है तो ये पानी इस तरफ खींचा जाएगा, देन डेट मीन्स द हाई टाइड इज गोइंग टू एक्सपीरियंस हियर एंड हियर बट नॉट हियर। सो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कॉजिंग हाई टाइड एट दैट प्लेस। यस फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। एट टू प्लेसेस ऑन द अर्थ एट 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई टाइड द लेवल ऑफ वाटर इज मिनिमम एंड लो टाइड्स ऑकर देयर एज शोन इन द फिगर 1.6। तो यहाँ पर बताया कि दो प्लेसेस पे, मैंने आपको बताया कि ये जो ऑपोजिट प्लेसेस है यहाँ पर देयर विल बी अ हाई टाइड एंड द वाटर विल बी लेवल ऑफ वाटर इज मिनिमम दैट इज हियर दे आर एक्सपीरियंसिंग लो टाइड्स एंड वी कैन सी दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रेंड्स। ये 90 डिग्री के लेवल पे हाई टाइड एंड लो टाइड ऑफर होता है फ्रेंड्स। नाउ आई होप सो कि आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर मेन टॉपिक दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। विल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कॉन्स्टेंट और विल इट चेंज विद टाइम। क्या वेलोसिटी जो है जो हमने स्टोन को हमने ऊपर की तरफ उछाला है, वह जो स्टोन जो है क्या उसके वेलोसिटी में चेंजेस आएगा विद टाइम? एक सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, 5 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ना। हाउ विल इट चेंज, अगर चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा? वाई डजेंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टोन जो है वो ऊपर की तरफ हमेशा बढ़ता क्यों नहीं है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग एट अ सर्टन हाइट? कुछ देर के बाद वह नीचे कैसे गिरता है एक सर्टन हाइट पे पहुंचने के बाद? सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन? तो ये जो जो स्टोन जो हमने उछाला है फ्रेंड्स, तो दिस स्टोन विल रीच अ सर्टन हाइट। मे बी मैंने जो स्टोन उछाला है वो शायद बहुत ऊपर तक जाए, और मेरी मेरी बेटी जो है वो अगर वो स्टोन अगर उछालेगी तो वो कम हाइट तक जाए। सो इट डिपेंड्स कि किस तरह से स्टोन को उछाला जाए और कितनी ताकत से स्टोन को उछाला जाए। एंड इवन दो अगर ताकत हम लगा रहे कि वो स्टोन जो है धरती के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हाइट तक जाए, देन ऑल्सो सर्टन फोर्स एग्जिस्ट ऑन इट दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी ये सारे जो क्वेश्चंस के जो फ्रेंड्स जवाब जो है यहीं पर नीचे दिए गए हैं। सो द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड्स इट्सेल्फ। अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को, मैंने कहा था कि धरती पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप छोटी हो बड़ी हो अगर आप उछालोगे तो वो धरती की तरफ धरती पर ही आके गिरनी है। तो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इट हैपेंस। सो द सर्टन मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर।
अर्थ के जो सेंटर में जो सेंटर ऑफ मास होता है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। तो सेंटर, धरती का जो सेंटर है, अगर एक यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं धरती है, तो यहाँ पर कहीं तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास की तरफ क्या होता है फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ मास जो अर्थ का होता है, इट इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो धरती सीधा इट विल मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर अगर कोई है, तो इट विल मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये सेंटर ऑफ द अर्थ जो है, यहीं पर सेंटर ऑफ मास है फ्रेंड्स। सेंटर ऑफ द अर्थ और सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज वन ऑफ द सेम, यानी कि केंद्र बिंदु सेंटर ऑफ द अर्थ। सो वी सी दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ। ये मैंने हमारे मेरे पहले लेक्चर में मैंने कहा है कि इट विल ऑलवेज फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ। वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रेंड्स, हम जाएंगे फर्स्ट फिगर की तरफ। यहाँ पर सेंटर ऑफ द, अगर ये एप्पल है तो एप्पल कैसे फ्रेंड्स यहाँ पर होगा, अगर ये एप्पल है तो ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ये मूव करेगा, सेंटर ऑफ द अर्थ ये हमने देखा है। सो हियर इफ वी सी इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर। सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड इट रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी। देखो फ्रेंड्स, अभी हमें एक सवाल का जवाब मिला है कि जब व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो ये दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स यानी फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, वो स्टोन को नीचे की तरफ खींचता है, और इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी है धीरे 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 ऊपर जाते जाते वो रिड्यूस होती है, एंड एट वन पॉइंट इट स्टॉप्स लाइक दिस। सपोज यहाँ पर मैं माउस से बता रहा हूँ, इसे ऊपर गया, धीरे 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 स्लो हो जाएगी और यहाँ पर रुक जाएगी, फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो इन दिस वे, सो ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर अ वाइल। तो मैंने आपको कहा था कि आपका जब ये आप माउस के हिसाब से देखेंगे, तो ये जब आप उछालोगे पत्थर, तो पहले फास्ट जाएगा, फिर वो धीरे 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 जाके फिर एक सर्टन हाइट तक पहुंचने, फिर इस पॉइंट पे जो है वो आपका वेलोसिटी जो है वहां पर जीरो हो जाएगा, एंड देन विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन विद अ हायर स्पीड। जो ऊपर से नीचे तरफ आएगा तो पहले स्पीड कम होगी, बाद में इसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो पहले स्पीड उसकी ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे कम होते होते एक सर्टन हाइट तक पहुंचने के बाद वहां पर वो जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग बैक टुवर्ड द सर्फेस ऑफ द अर्थ। द पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन स्टार्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। तो मैंने आपको यही कहा है कि ये पुल जो होता है ये कंटिन्यूसली स्टोन पर एक्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द स्टोन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप सो दिस पैराग्राफ यू हैव अंडरस्टूड फ्रेंड्स। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज हम बाद में देखेंगे बोर्ड पर। यूज योर ब्रेन पावर। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी सी दैट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये हमने पढ़ा है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ, द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ विद द सेम फोर्स। बट वाई डज द एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, पर एप्पल ही क्यों धरती पर गिरता है, बट नॉट द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द एप्पल। तो धरती जो है एप्पल की तरफ क्यों मूव नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया फ्रेंड्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मून, बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द
अर्थ। तो यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड्स कि द ग्रेविटेशन फोर्स जो है ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एक्ट ऑन द मून, मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का एक्ट करता है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स वी कैन सी दैट द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये मून जो रिवॉल्व होता है अराउंड द अर्थ वाई बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द मून। सो फ्रेंड्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो धरती के अराउंड इर्द गिर्द जो घूमते हैं दैट ऑल्सो वी कैन सी दैट इट ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ ऑन इट। सो डू दे फॉल ऑन द अर्थ, तो क्या वह एप्पल की तरह धरती पर गिरते हैं? नो फ्रेंड्स। Why? This is because of the motion, because of the velocity of the moon and the satellite along their orbits. So friends, अब ये जो moon जो है ये घूम रहा है या फिर orbit या फिर ये moon जो है ये earth के around घूम रहा है और या फिर एक अगर समझो यहाँ पर artificial satellite भी अगर एक earth के आसपास घूमता है या फिर planet के आसपास घूमता है then why doesn't this fall on the earth? ये जो moon है ये धरती पर क्यों नहीं गिरता? क्योंकि धरती तो उसको खींच रहा है, धरती is continuously exerting gravitational pull on the moon, but then also the moon is not falling on the earth. Similarly यहाँ पर जो artificial satellite जो यहाँ पर revolve हो रही है this artificial satellite also is not falling on the earth, जबकि ओ आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर ये धरती जो है कंटिन्यूसली एग्जर्टिंग अ ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाई डजंट इट फॉल ऑन द अर्थ? इसका मैं अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूं फ्रेंड्स, तो जब आप बाइक चलाते हो तो आप बाइक को बैलेंस करने अगर आपकी बाइक बंद है और स्टैंड पे नहीं है तो यू सी दैट उसको बैलेंस करने के लिए आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। इट डज नॉट बैलेंस ऑन इट ओन। बाइक जो आप चलाते हो फ्रेंड्स अगर वो बंद है तो अगर उसको बैलेंस करना है फ्रेंड्स तो आपको उसको पकड़े रहना पड़ेगा, अगर नहीं पकड़ोगे तो बाइक आपकी यहाँ वहाँ अनबैलेंस होके गिर सकती है। बट फ्रेंड्स वही बाइक जब आप चलाते हो तो बाइक को आपको बैलेंस उतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाइक आपकी मोशन में होती है। तो बाइक अगर आपकी मोशन में है तो फ्रेंड्स तो बाइक को बैलेंस करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। तो सेम वे हियर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मोशन ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है यहाँ से वहाँ जा रहा है ना, तो यहाँ से वहाँ जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मोशन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ। तो मान लो अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट मोशन यहाँ से यहाँ ना हो और वो बंद हो जाए तो देन वॉट विल हैपन? देन सर्टनली उसका ये मोशन अराउंड द अर्थ नहीं है, इस वजह से फ्रेंड्स द आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है इट विल फॉल ऑन द अर्थ बिकॉज अर्थ इज एग्जर्टिंग कंटिन्यूसली इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट सैटेलाइट। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इफ दिस वेलोसिटी वॉज नॉट देयर, तो अभी हमने इसका जवाब दे दिया है कि वेलोसिटी अगर उसका ना हो तो क्या होने वाला है? येस इट वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ, वो धरती पे गिरेगा। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। सो द अर्थ एग्जर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट नियर इट। अर्थ देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली एग्जर्ट करता है ऑन द ऑब्जेक्ट नियर इट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सलरेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है और उसकी वजह से क्या होता है, अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या होता है, उसमें एक्सलरेशन आता है ना। एक्सलरेशन एक फोर्स की वजह से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट में एक्सलरेशन, ऑब्जेक्ट जो एक्सलरेट होता है, एक गतिमान होता है, एक दिशा में चलने लगता है बिकॉज ऑफ द फोर्स। तो दस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सलरेशन। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है
ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सप्रेशन। तो इसलिए हम पेन अगर उछा लेंगे ऊपर की तरफ तो पेन नीचे आ जाता है, तो नीचे आ जाता है वाई दिस पेन फॉलिंग डाउनवर्ड्स, वाई इट हैज अ मोशन। हमने तो कुछ फोर्स एग्जर्ट ही नहीं किया, हमने सिर्फ ऊपर उछाला, ऊपर जो गया वो फोर्स के वजह से, हमारे फोर्स के वजह से वो पेन जो है ऊपर गया फ्रेंड्स। पर ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉडी, और ये जो एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज डिनोटेड बाय जी। अगर आप सपोज कोई चीज़ पत्थर ऊपर फेंक रहे तो नीचे आता है, तो नीचे की तरफ जो आता है उसे कोई ऊपर से नीचे तो लाता नहीं है, हमने तो उसे ऊपर फेंक दिया था। तो वाई दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन, दिस इज मूविंग डाउन बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रेंड्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कोई भी ऑब्जेक्ट क्या फ्रेंड्स, हर चीज़ जो वो हम धरती के ऊपर फेंकते हैं, आसमान की तरफ फेंकते हैं, वो नीचे आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यस फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि कोई भी मतलब जिस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, और वो ऑब्वियसली इट विल मूव, इट विल ऑब्जेक्ट विल कम डाउन एंड दैट विल फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, धरती के मध्य बिंदु केंद्र बिंदु की तरफ ही वो नीचे की तरफ जाता है। तो उसी तरह से डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली downwards friends. So now we see that value of g on the surface of the earth, value of g on the surface of the earth. Now let us find the value of g on the surface of the earth. So to find the value of g, we can calculate the value of g by using Newton's universal law of gravitation for the object of mass m. Object of mass, mass of the object, we are going to take it as a small m, and radius we are going to take it as a small r from the center of the earth. So now, and what is g friends? G is the acceleration due to gravity. G is the acceleration due to gravity. And here we are finding acceleration due to gravity on the surface of the earth. On the surface of the earth, we are going to find, that is the value of g. Now we know that friends, law of gravitation, a formula F is equal to capital G m1 m2 upon r square. This we already learnt in previous session. Now if we see about this m1 is the mass of the earth. तो यहाँ पर हम लोग लेंगे mass of the earth friend, mass of the earth, we are going to take it as a capital M, and radius of the earth, similarly we can take radius of the earth, that is capital R, radius of the earth is capital R, mass of the earth is capital M. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल एम, एंड मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम वन की जगह पे मैं लूंगा कैपिटल एम, दिस जी विल रिमेन एज इट इज कैपिटल एम, बिकॉज दिस मास ऑफ द अर्थ, टू ऑब्जेक्ट्स आर अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। पहला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मास ऑफ द अर्थ, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट हम लोग लेने वाले यहाँ पर एम, तो स्मॉल एम upon r is same because we are finding on the surface of the earth. Now here we see that we have already learned the formula for force in 9th standard, force is equal to mass into acceleration. Now this acceleration is due to gravity, ye jo acceleration hai friends ye gravity ki wajah se, therefore hum log lenge f is equal to mg,
Now instead of F we are putting mg. So next step will be mg is equal to capital G capital m small m upon r square. क्योंकि ये जो mg है friends, ये equation number 4 दिया गया टेक्स्ट बुक में and this is equation number 3. So putting equation number 4 and equation 3 we get F is equal to we get mg is equal to capital G capital M small m upon r square. Now friends, small m on both the side get cancelled. Now g is equal to, therefore g is equal to capital G capital M upon r square. So this is equation number 5 friends. This is what the important equation, and now we can see that this equation does not depend on the mass of the object. Object ka koi bhi mass jo m hota hai ye cancel ho gaya. So this value of g does not depend on the mass of the object. Object chahe kitna bada ho, object chahe kitna chota ho, value of g does not depend on the mass. Now if the object is situated on the surface of the earth, friend this is earth, object agar surface ke upar ho friends, so we can see that this is the radius of the earth and that is capital R. R is the radius of the earth and object surface earth ke upar hai, so this R will be equal to small r will be equal to capital R, and then the value of g on the surface of the earth is this. तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, दैट इज g इज इक्वल टू कैपिटल g कैपिटल m अपॉन कैपिटल r स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज इंस्टेड ऑफ रेडियस ऑफ द स्मॉल r वी आर गोइंग टू टेक कैपिटल r, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ बाय रिप्लेसिंग स्मॉल r विथ कैपिटल r, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ. नाउ वी नो दैट कि दिस द वैल्यू यूनिट ऑफ g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द मास ऑफ द अर्थ. फ्रेंड्स मास ऑफ द अर्थ कितना है? मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज टू 24 6 इंटू 10 रेज टू 24 kg. एंड ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेडियस ऑफ द अर्थ. Radius of the earth is, friend, that is 6400 kilometer, that is 6.4 into 10 raised to 6 meter. Friends, ये जो kilometer है इसको मैंने meter में convert किया है, तो it will be 6.4 into 10 raised to 6 meter. So 6400 kilometer. And in other language, 6.4 into 10 raised to 6 meter. Okay, friends. Now putting these values in the equation 6. This is equation 6. Putting these values in equation 6, g is equal to, instead of capital G, we know the value of capital, that is universal gravitational constant. 6.67 into 10 raised to minus 11 newton meter square per kg square. Aisa aayega, but we are not adding here units. We are going to write only the values into the value of the mass of the earth. The mass of the earth is written here. 6 into 10 raised to 24 kg upon the radius of the earth. The whole square. Radius of the earth is 6.4 into 10 raised to 6 the whole square. We are squaring it. Now suppose if we solve it, we get the value of g as 9.77 meter per second square. So this is the value of g on the surface of the earth, which we take approximately as 9.8 meter per second square. This is the value of the g on the surface of the earth. Now friends, this acceleration
g is the acceleration due to gravity, means acceleration depends on the capital M, that is mass of the earth and the radius of the earth. And so the acceleration due to gravity at a point on the earth, at a point on the earth, so the acceleration due to gravity, that is value of g at a point on the earth, is the same for all objects. It does not depend on the mass of the object on the earth, and also it does not depend on the properties of the object, friends. So I hope so you have understood the how to find the value of g on the surface of the earth. Friends, variation in value of g. Now the value of g, how it changes when it varies. ये value of g जो है, जो normally आपको पता है 9.8 meter per second square हम लेते हैं, कहीं ICSE board और CBSE board में directly 10 meter per second square भी लेते हैं, तो ये जो value of g जो है 9.8 जो है, वह कैसे change होता है और कब change होता है, तो उसके तीन मुख्य कारण है. That is A, change along the surface of the earth. Surface of the earth जब change होगा, then we can see the change of the value of g. और दूसरा जो है friends, देखेंगे change with height. जैसे जैसे हम धरती के ऊपर mountains पे अगर हम चढ़ते हैं, suppose तो mountain तो बहुत ऊंची होती है, 9000 meter above the earth. So वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो क्या gravitational force जो है वहाँ पर कम act करेगा या ज़्यादा act करेगा? So yes, it will change with the height. The value of g also changes with the height. So and the third last one is c, that is change with depth. So जैसे ही हम धरती के अंदर 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 जाएंगे, few kilometers अगर हम धरती के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर क्या value of g जो है change होगी कि नहीं होगी friends, ये हम देखेंगे. तो move on to change along the surface of the earth. So we see the value of, will the value of g be same everywhere on the surface of the earth? The answer is no. So यहाँ पर no दिया है friends. Why? Because हमें पता है कि एक object जो है वो है कैसे, it is the earth जो है, sorry object ने earth जो है, it is totally bulged at the इक्वेटर. तो ये ऐसे एलिप्स की तरह थोड़ा सा अर्थ जो है वो फैला हुआ, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर आंसर दिया गया है नो. द रीज़न इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल. अभी अभी मैंने कहा कि एक फुटबॉल की तरह अर्थ नहीं होता है, थोड़ा सा बल्ज होता है टुवर्ड्स द इक्वेटर. एंड सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर differs somewhat from place to place. Yes friends, तो यहाँ पर जो है हम लोग अगर थोड़ा सा डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो इस तरह से होगा. So earth is not exactly a circle. Earth जो है ऐसे circle नहीं है friends, it is somewhat bulged towards the equator. तो यहाँ पर हमारी इक्वेटर होती है फ्रेंड्स. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इक्वेटर ऐसे है, तो ये हमारा इक्वेटर है और इक्वेटर की तरफ बल्ज है, और ये जो है फ्रेंड्स ये है तुम्हारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस जो है फ्रेंड्स, तो ये वैसे तो नहीं है जैसे नॉर्मली हम ये करते हैं. So we see the distance of this north pole from the center is less, ये बहुत कम है, than the distance of the equator to the center. ये आप देख रहे हो कि center की तरफ जो ये जो distance है, ये distance of the center to the equator is more, and distance of the pole to the center of the earth is less. That is why यहाँ पर जो है gravitational pull जो होगा friends, यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो gravitational pull जो है ज़्यादा होगा, because of the minimum, because the distance is less.
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पोल, और यहाँ पर जो है फोर्स जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कम होगा. वाई? बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द डिस्टेंस इज मोर बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज ऑन द इक्वेटर. तो ये डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से फ्रेंड्स तो क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा दैट इज वैल्यू ऑफ जी जो होगा यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर जो है वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होगी फ्रेंड्स. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर टेक्स्ट बुक पार्ट. सो अभी देखा आपने कि द सेंटर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से पोल्स जो है इज नियर टू द पोल्स जो है इज नियर टू द पोल्स जो है पोल्स जो है इज नियर टू द सेंटर एंड इक्वेटर इज फार फ्रॉम द सेंटर. तो ये डिस्टेंस जो है डिफर करता है, ये ज़्यादा है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कम है फ्रेंड्स. तो इस तरह से डिफर्स. सो ड्यू टू द रोटेशन द अर्थ बल्जिस एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटर एट द पोल्स ड्यू टू द रोटेशन फ्रेंड्स. तो यहाँ पर अभी कैसे बताया गया है फ्रेंड्स कि ये जो अर्थ जो है ये कंटिन्यूसली मूव होता है बिकॉज ऑफ दिस मोशन. यहाँ पर जो डिस्टेंस जो है ना फ्रेंड्स, ये अर्थ यहाँ से फुली हुई है, यहाँ से फुली हुई और यहाँ से दब गई है थोड़ी सी. तो दैट इज हाउ द शेप ऑफ द अर्थ चेंजेस एंड इट इज वी सी द शेप ऑफ द अर्थ डिस्टेंस ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर समटाइम्स इंक्रीजेस एंड समटाइम्स डिक्रीजेस. सो द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल. मैंने आपको कहा था कि ये जो रेडियस जो है फ्रेंड्स, ये रेडियस कम है टुवर्ड्स द पोल और ये जो रेडियस जो है ये ज़्यादा है टुवर्ड्स द इक्वेटर. सो द वैल्यू ऑफ जी इज दस हाइएस्ट एट द पोल्स. तो जी पोल्स की तरफ जो हाइएस्ट वैल्यू जो है 9.832 है फ्रेंड्स, 832 एट द पोल्स एंड डिक्रीज स्लोली विद डिक्रीजिंग लैटिट्यूड. इट इज लोवेस्ट 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द इक्वेटर. इक्वेटर की तरफ जो है वो क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पर जो है वैल्यू इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब हम डायग्राम देखेंगे. यहाँ पर जो है वैल्यू जो है फ्रेंड्स कितना है, यहाँ पर जो वैल्यू है फ्रेंड्स कितना है, 9.78. ओके फ्रेंड्स, तो ये मैं पेंट में कर रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं. और यहाँ पर कितना होगा फ्रेंड्स एट टुवर्ड्स द पोल, 9.832. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी टुवर्ड्स द पोल, 9.832 एंड बाकी की तरफ क्या है 9.7 टुवर्ड्स द इक्वेटर दैट इज 9.78832. ओके, और भूलना नहीं दैट इज 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 89 टुवर्ड्स द पोल 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑन द टुवर्ड द अर्थ इक्वेटर दैट इज 9.78. क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा फ्रेंड्स तो वैल्यू जो होगी ग्रेविटेशन फोर्स की वो कम हो जाएगी. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज चेंज विद द हाइट. एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, धरती के ऊपर जैसे हम जाएंगे तो वैल्यू ऑफ आर जो है वो इन इक्वेशन 5 इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. इक्वेशन 5 की तरफ देखेंगे, वैल्यू ऑफ यहाँ पर इक्वेशन 5 दिया गया है, इक्वेशन 5 है ये, उसमें बताया गया है कि क्या हो रहा है यहाँ पर. द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन इंक्रीजेस. तो आर जो है फ्रेंड्स, ये आर जो है इंक्रीज होने वाला है. धरती के ऊपर जाएंगे तो आर इंक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ पर है फ्रेंड्स, सपोज यहाँ पर है
तो यहाँ से यहाँ तक जो है आर जो है बढ़ जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, जी डिक्रीज होता है फ्रेंड, क्योंकि आपको मैंने एक बार बताया था कि जैसे ये आर स्क्वायर है, ये आर जो है नीचे डिनोमीटर में है और डिवाइड बाय है, अगर ये आर नीचे है डिनोमीटर में और ये स्क्वायर भी होने वाला है, तो उसका जी का वैल्यू जो है फ्रेंड्स क्या होने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ डिवाइड होती है, डिवाइड करके आंसर मिलती है, उस वो वैल्यू कम होती है इस वजह से। नाउ वी ऑल्सो सी दैट द हाउएवर द डिक्रीज इज रादर स्मॉल फॉर हाइट विच आर स्मॉल इन कंपेरिजन टू द अर्थ रेडियस। हाउएवर यहाँ पर क्या बताया कि द हाउएवर द डिक्रीज इज रादर स्मॉल फॉर हाइट्स, ये जो डिक्रीज जो है बहुत ही स्मॉल होता है फ्रेंड्स। कैसे देखेंगे कि सेंटर की तरफ से अगर हम देखेंगे ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, दैट इज अराउंड 6400 किलोमीटर, और ये जो है लगभग शायद कुछ 4-5 किलोमीटर होगा। तो देख रहे हैं कि 6400 किलोमीटर ये जो है 6400 किलोमीटर है और ये सिर्फ 5-6 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंक्रीज हो रहा है धरती के ऊपर का जो हाइट है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, अभी मैंने आपको अभी बताया। तो इफ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस चेंजेस फ्रॉम 6400 किलोमीटर टू 6410 किलोमीटर। तो अभी मैंने आपको फ्रेंड्स बताया कि यहाँ पर अगर एक आपकी प्लेन उड़ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका अगर प्लेन है, सपोज़ यहाँ पर आपका प्लेन उड़ने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स, तो वी सी दैट कि यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ तक है दैट इज 6400, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कितना है फ्रेंड्स 6400, और पर यहाँ से यहाँ तक तो 10 किलोमीटर है। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, दैट विल बी 6410, दैट विल बी 6410, ओके फ्रेंड्स 6410 किलोमीटर, 6410 किलोमीटर। सो नाउ हम देखेंगे 6400 से कितना हुआ फ्रेंड्स आपका डिस्टेंस अभी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट विल बी 6410 किलोमीटर, और एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द जी ड्यू टू इट इज नेग्लिजिबल। तो बस 10 किलोमीटर बढ़ने से ये वैल्यू ऑफ द जी जो है बहुत ही नेग्लिजिबली चेंज होगा, मतलब ना के बराबर चेंज होगा फ्रेंड्स। नेग्लिजिबल मतलब जैसे आपके हाथ के ऊपर आपने एक मुर्गी का फेदर रखा हो तो आपको महसूस होगा क्या कि आपने कोई चीज़ उठाई है, उसी तरह से नेग्लिजिबली यहाँ पर चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी हमें महसूस होगा। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर, ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कंसिडर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द लार्ज चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर हमें यह वैल्यू ऑफ जी अगर चेंज हो रहा है कि नहीं, अगर देखने के लिए हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ को कंसिडर करेंगे तो हम बता पाएंगे कि जो चेंज इन वैल्यू ऑफ जी जो है ये ड्यू टू द लार्ज चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज होने के वजह से कैसे वैल्यू ऑफ जी जो होगा धरती के ऊपर हाइट बढ़ने की वजह से कैसे चेंज होगा। तो सम टिपिकल हाइट्स एंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस हाइट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑफ हाइट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो सरफेस ऑफ द अर्थ एवरेज हाइट, तो हाइट तो जीरो होगी क्योंकि धरती के ऊपर हाइट तो जीरो होगी, तो वहाँ पर धरती के ऊपर कितना है फ्रेंड्स जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ना माउंट एवरेज जो है वो आप देख रहे हैं कि 8.8 किलोमीटर धरती के ऊपर है, तो वहाँ पर भी लगभग 9.8 ही है फ्रेंड्स। सो ना मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द मैन मेड बलून, अगर एक आदमी मैन मेड बलून के जरिए अगर ऊपर गया है तो वो 36.6 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई उसने हासिल की है, तो वहाँ पर जो अगर आप जीत महसूस करेंगे तो इट विल बी अगेन समवट 9.77, मतलब उतना ज़्यादा डिफरेंट है। पर फ्रेंड्स वी कैन सी द
चेंज हियर. वी कैन सी द माउंट एवरेस्ट पे और धरती के सरफेस पे ग्रेविटेशन फोर्स उतना चेंज नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, बट 36 किलोमीटर अगर हम धरती के ऊंचाई पे जाते हैं तो वी सी देयर इज अ स्मॉल चेंज दैट इज 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आप एक वेदर सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे तो दैट सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द अर्थ. यस फ्रेंड, तो अर्थ है, अर्थ के ऊपर वह 400 किलोमीटर ऊंचाई पे वह रिवॉल्व होता है अराउंड द अर्थ एंड देयर वी कैन सी दैट जी इज 8.7, दैट जी इज 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में हाइट के बारे में अगर बात कहेंगे तो दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का हाइट जो होता है 35,700 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस पे वो रिवॉल्व होता है अराउंड द अर्थ. तो उस पर कितना जी एक्ट करेगा फ्रेंड्स, तो वी सी दैट 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स इट्स ओनली 0.225 और जीरो पे देखेंगे तो 9.8 और 8.8 किलोमीटर अबव द अर्थ देखेंगे तो 9.8 और थोड़ा सा चेंज हुआ था 36.6 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस पे 9.77 और थोड़ा और ज़्यादा चेंज हुआ था 400 किलोमीटर पे कितना था जी 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रेंड्स बोलना ना भूले. तो 35,700 किलोमीटर हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द अर्थ देन व्हाट विल बी द जी वैल्यू ऑफ जी. जी मींस वैल्यू ऑफ जी दैट इज 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रेंड्स. नाउ द थर्ड थिंग इज चेंज इन द डेप्थ. अभी डेप्थ के लिए फ्रेंड्स हमें धरती के अंदर अंदर की तरफ जाना होगा. यस फ्रेंड्स, तो अगर मान लो कि हम धरती के अंदर जा रहे हैं तो द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ यू गो इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर जैसे हम जाएंगे फ्रेंड्स तो वैल्यू ऑफ जी विल ऑल्सो चेंज और द वैल्यू ऑफ द आर इन द इक्वेशन 5 डिक्रीजेस एंड वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला. तो यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से फ्रेंड्स उन्होंने कहा है कि आर अगर कम हो रहा है फ्रेंड्स तो जी जो है यहाँ पर बढ़ जाना चाहिए. अभी अभी हमने हाइट के लिए वही किया था कि आर जो है बढ़ रहा था तो आर भले बढ़े लेकिन डिवाइड हो रहा है फ्रेंड्स तो डिवाइड होने की वजह से जी का वैल्यू तो ज़्यादा आने वाला है. पर यहाँ पर तो जी आर का वैल्यू कम होने वाला है क्योंकि हम वी आर गोइंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ तो जी का वैल्यू बढ़ जाना चाहिए ऐसे हमें लगेगा फ्रेंड्स. पर However, the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases. ये जो friends, जैसे हम धरती के अंदर जाएंगे तो मान लो हम यहाँ पर है friends, धरती का अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो suppose हम लोग यहाँ पर है तो इतने part, इतना जो part है friends, ये center है और हम यहाँ पर है मान लो तो ये हम इतना अंदर आ गए हैं तो यहाँ का जो surrounding जो है इतना act नहीं कर पाएगा तो इसीलिए जी का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स अब कम होगा और ये जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे और सेंटर पे हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ज़ीरो क्योंकि ये जो पार्ट जो है फ्रेंड ये पार्ट उतना एक्ट करेंगे क्योंकि हम तो यहाँ पर हैं हम यहाँ नहीं हैं हम यहाँ पर हैं तो यहाँ होने की वजह से इतना पार्ट का उस पर असर नहीं होगा तो यहाँ और इतना ही असर होगा फ्रेंड्स इतना ही पार्ट का असर होने वाला है सेंटर तक. तो therefore the value of g changes and it is reduces और वो कम होता है friends. तो इस वजह से the value of g will change and it will decrease which means that the value of m to be used in equation 5 also decreases. तो mass भी कम होगा friends. मैंने आपको कहा कि अगर हम यहाँ पर है धरती पर धरती के अंदर जाते जाते यहाँ पर है तो इतना मास तो कम होगा ना फ्रेंड्स इतना तो हम तो यहाँ पर हैं तो ऊपर का मास थोड़ी ना एक्ट करेगा तो सिर्फ इस वजह से तो एम भी कम होने वाला है. एम कम होने की वजह से क्या होगा फ्रेंड्स तो एज द कंबाइंड रिजल्ट ये कंबाइंड रिजल्ट की वजह से आर एंड एम का द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ. जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा फ्रेंड्स बढ़ेगी कि घटेगी
Yes, it will decrease as we go deep inside the Earth. So now every planet and satellite has different mass and radius. Her planet or satellite का मास अलग होता है, रेडियस अलग होता है. तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 6, द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सर्फेसिस आर डिफरेंट. तो सरफेस प्लैनेट, हर प्लैनेट का वैल्यू ऑफ जी जो होता है वह अलग होता है. मास का वैल्यू ऑफ जी जो है सरफेस पे अलग होगा. अर्थ का वैल्यू ऑफ जी जो है ऑन द अर्थ जो है वो 9.8 है, हमने अभी पढ़ा. और ऑन द मून, ऑन द मून इट इज़ अबाउट 1/6 द वैल्यू ऑफ द अर्थ. और मून पे कितना है फ्रेंड्स, 1/6 द वैल्यू ऑफ द अर्थ हमने देखा है. तो एज अ रिजल्ट यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जम्प 6 टाइम्स हायर ऑन द मून एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अर्थ. तो अगर हम मून के ऊपर अगर हम है तो हम देख रहे हैं कि अगर हम एक सर्टन फोर्स अप्लाई करके हम धरती पे जितना ऊंचा उड़ी मारते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा हम मून के ऊपर उड़ पाएंगे. बिकॉज द मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ फ्रेंड्स. तो इतना आपको याद रखना है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स अभी तक ले शायद इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है. बाकी के 4 टॉपिक्स हम अगले सेशन में लेंगे. तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. I hope so you enjoy the video. And once again, if you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel, Unique Educator Prakash Paul, and get the recent updates friends. And thank you. Till then, ciao.